नाम पीयूष मक्कड़ है। मैंने अपनी 12वीं के बाद जैन ITI कॉलेज के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए ज्वाइन किया था। यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, टीचर्स के थ्रू, इंस्टीट्यूट के थ्रू। यहाँ के मैनेजमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा एक्चुअली शुरू से कंप्यूटर लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी स्किल भी अच्छी थी और मुझे अच्छा लगता था कंप्यूटर के अंदर काम करना। यहाँ की मैनेजमेंट ने मेरी स्किल को और अपग्रेड किया, मतलब इन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। लाइक कभी फाइनेंशियली की ज़रूरत पड़ी या किसी भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ी तो ये हमेशा मेरे लिए हाजिर है। राहुल सर, MD सर हैं जो प्रिंसिपल सर, और उस टाइम मुझे परमजीत सर पढ़ाते थे कोपा के अंदर। सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था यहाँ का। यहाँ से मैं 2018 के अंदर पास आउट हुआ। मैंने 85% प्राप्त किए, जिसके बाद एक साल बाद यहाँ से पासिंग होने पर पहले तो मैंने मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैं अपने लोकल के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। मैं मेरे लोकल के बच्चों को CCC बेसिक और लैंग्वेजेस लाइक C और HTML वगैरह के कोर्सेज करवाता हूँ। RSCIT भी जिसमें इंक्लूडेड है। और इसके एक साल बाद मुझे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर से लेटर आया स्किल इंडिया की तरफ से कि आपको स्किल ओलंपियाड के लिए, मतलब सेलेक्ट किया गया है, जिसके अंदर आपको एक कॉम्पिटिशन फाइट करना है, जिसका जो पहला राउंड है वो तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा श्रीगंगानगर में, मतलब, और दूसरा राउंड आपका डिविजनल होगा। हमारे यहाँ बीकानेर डिवीज़न पड़ती है, तो दूसरा मेरा जो राउंड था वो बीकानेर के अंदर हुआ, और तीसरा जो था वो पूरे राजस्थान लेवल के अंदर था, जो कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंदर हुआ। पहले राउंड के अंदर मैंने श्रीगंगानगर के अंदर 42 पार्टिसिपेंट्स थे, जो कि हर ITI कॉलेज से आए थे, उसके अंदर मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, मैंने मेरा जिला टॉप किया। और दूसरे राउंड के अंदर, जो कि बीकानेर डिवीज़न के अंदर हुआ था, जिसके अंदर क्या था, बीकानेर डिवीज़न के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट आए थे, अलग अलग ITIs थे, जिसमें कुछ 50 से 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर मैंने मेरा तीसरा स्थान प्राप्त किया और अगले राउंड में प्रमोट हो गया। जो इसका फाइनल राउंड था वो हुआ था जयपुर के अंदर, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि अभी तक का सबसे हार्डेस्ट राउंड था। सबसे ज़्यादा बच्चे, मतलब पूरे राजस्थान के अंदर से वहाँ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ, मतलब 50 to 60 स्टूडेंट्स थे जो कि इन्हीं राउंड्स के अंदर सिलेक्ट होके आगे बढ़े थे, उनके साथ मेरा कंपटीशन था। तो उसके अंदर क्या हुआ, पहले दिन हमें सारा इंट्रोडक्शन दिया गया कि आपका ऐसे कंपटीशन होगा, एक पार्टी जो एक प्रैक्टिकल राउंड होगा और एक आपका थ्योरेटिकल राउंड होगा। तो सेकेंड डे जैसे ही कॉम्पिटिशन था, मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे अपने होता ना कि हाई लेवल का कंपटीशन, वैसे माहौल था। और मेरा थ्योरेटिकल एग्ज़ाम हुआ सुबह के अंदर, मॉर्निंग के अंदर, और बाद में मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ, और नेक्स्ट डे रिज़ल्ट था। और मुझे बहुत ऐसे उत्सुकता थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रिज़ल्ट आएगा। पर जैसे ही अगले दिन रिज़ल्ट आया, तो जो पहला नाम अनाउंस हुआ वो मेरा हुआ था, पीयूष मक्कड़ फ्रॉम जैन ITI। मैंने वहाँ भी पूरे राजस्थान के बच्चों के अंदर थर्ड स्थान प्राप्त किया, तीसरा स्थान प्राप्त किया पूरे राजस्थान के अंदर। और वहाँ से एक उपलब्धि हासिल करके मैं अपने घर आया। मेरी फैमिली बहुत खुश थी, मेरा इंस्टीट्यूट वाले बहुत खुश थे कि मैंने ऐसा एक स्थान प्राप्त किया। मतलब यहाँ की जो ITI में से टीचर भी मेरे साथ गए थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर कि नहीं, कुछ नहीं होता, बढ़िया रिजल्ट जाएगा। उन्होंने मुझे वहाँ टीच भी किया, उन्होंने बताया भी हाँ आपको इस तरह से कॉम्पिटिशन फाइट करना है, इस तरह का आपका सिलेबस आएगा, हर चीज़ में उन्होंने मेरी हेल्प की। मनजोत सर मेरे साथ यहाँ से गए थे, और MD सर ने भी हमें फ़ोन कॉल पे बहुत हेल्प की। मैं जैन ITI का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मतलब उनके मोटिवेशन के बिना आज मैं यहाँ पर नहीं हो पाता, मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं कर पाता, मैं स्किल ओलंपियाड में टॉप नहीं कर पाता। और अब मैं फ़िलहाल तो इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ अपना लोकल के अंदर, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ साथ साथ में, जिसके अंदर मेरा एक एग्ज़ाम एक्चुअली निकल चुका है, और उसका इंटरव्यू राउंड अभी कोरोना के कारण बाकी है, वो भी आई थिंक मेरा हो जाएगा। बट ठीक है, मतलब अच्छा चल रहा है। अगर मैं कुछ और ना भी कर पाऊँ तो मेरा ITI करने के बाद इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी 2 महीने पहले ही DGT की तरफ से जो उनका एनुअल न्यूज़ लेटर निकलता है, जो कि जून 2020 में वो हर साल निकालते हैं, उसके अंदर, मतलब न्यूज़ लेटर के अंदर मेरा नाम मेंशन हुआ। मुझे वह देख के बहुत खुशी हुई कि स्किल टॉक्स नाम के न्यूज़ लेटर के अंदर, जो कि DGT, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेरा नाम वहाँ पे पब्लिश हुआ, जो कि सेकंड पेज पे है, उसके अंदर मेरे बारे में लिखा हुआ है, मेरी जर्नी के बारे में लिखा हुआ है। मतलब मुझे वो चीज़ देख के बहुत खुशी हुई कि मेरे यहाँ के थ्रू मैं पढ़ा और मेरा इतने ऊपर तक मेरा नाम गया।
सो बस मैं यहाँ तक आपको मैं अपनी जर्नी बताना चाहता था, मैंने वह बताई, यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद।